अस्सलाम वालेकुम, शेफ़ ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं सादा चावल, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत लजीज। ये चावल हैं, चावल हमने लिए 1 किलो। ये अदरक है, ये प्याज 2 मीडियम साइज़ के बड़ी कटे हुए, ये सब्ज़ मिर्च है, लहसुन के चंद जोए हैं इनको पीस लें, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 मीडियम साइज़ टमाटर है, ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये सुरख मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून है, और ये 3 टेबल स्पून। हम इसने घी डाला है हमने 1 कप, ऑयल भी डाल सकते हैं आप। अब इसमें हमने प्याज डाल दिया चॉप किया हुआ, इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट में ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अब काट के डालना चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अभी दोनों चीज़ें ना फ्राई होके लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब तकरीबन ये फ्राई हो रही हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये 2 मीडियम साइज़ थे बारीक काटे हुए। टमाटर नरम हो जाएंगे साथ फ्राई होके। अब तो हल्का सा पानी लगाएं, कहीं ये जल ना जाए। टमाटरों को हल्का सा फ्राई करके ना हमने इसको ढांप दिया है ताकि स्टीम से ना नरम हो जाएंगे। हम ढक्कन उठाया तो देखें प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला आप जब पानी डालें वैसे भी डाला जा सकता है बाद में भी। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये हल्दी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये नमक है, इसमें जाएगा। अब इसमें ज़ीरा जाएगा। अब इसमें सुरख मिर्च जाएगी। अब हम इन सबको मिक्स करके हल्का सा पकाएंगे। हल्दी के बारे में आपको बताऊं कि हल्दी से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के ज़ख्मियों का इलाज करते थे। जिनके बैरूनी ज़ख्म होते थे उनके ज़ख्मों पर तेल हल्दी लगाते थे, जिनके अंदरूनी ज़ख्म होते थे उनको हल्दी दूध में मिलाकर पिलाते थे। हल्दी जरासीम को मारती है, ये तकरीबन हर हंडिया में डालनी चाहिए। खालस हल्दी जो घर में बनाएं वो ज़्यादा बेहतर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पानी आप चावलों के डबल भी ले सकते हैं और 1.5 गुना भी ले सकते हैं, ये पकाने वाले पे डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा डबल डालती हूँ और तेज़ आंच पर पकाती हूँ और बहुत अच्छे पकते हैं। बस लोग हल्की आंच पे पकाते हैं तो 1.5 गुना भी ले लेते हैं, आपको जैसे इजी लगे। 10 मिनट में हाई फ्लेम पर पकेगा पानी तो बॉयल हो जाएगा। जब पानी पकने लग जाए, इसको बॉयल होने लग जाए, तो इसको 2-3 मिनट पकते रहना देना चाहिए। अब इसमें चावल डाल दें। ये चावल याद रखें कि इनको साफ करके 1 घंटा तकरीबन, कम से कम 1/2 घंटा पहले भिगोना है। और चावलों को धोकर नीम गर्म पानी करके चावलों में डाल दें। दो दो सादा पानी से लें, दूसरे से,
और फिर इसमें जब पानी डाल के हमने रखना है तो वो नीम गर्म पानी करके तो चावलों में डालकर तकरीबन आधा घंटा के लिए रख दें। इससे जो चावल होते हैं ना वो जुड़ते नहीं आपस में, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और बहुत अच्छे पकते हैं। और इसको हाई फ्लेम पर चावल डालकर आग को तेज़ रखें। जब पानी खुशक हो जाए इसका, देख लें चम्मच एक साइड पे करके कि पानी खुशक हो गया है, तो अब उसको दम पे लगा दें हल्की आंच पर, और 6 से 7 मिनट तक दम होगा इसका और चावल रेडी हो जाएंगे। अब इसको डिश में डालें और सर्व करें। जब हमारे तड़के वाले सादा चावल तैयार हो गए, अब इसको खाएं, एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेफ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।